हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं आई हूँ नर्मदा नदी के तट पे, आज बहुत ही एंजॉय करने और सुकून भरा थोड़ा से पल लेने नर्मदा जी से। हम अपने गम उनको दे देते हैं, वो हमें अपने जितने सुख होते हैं दे देते हैं। हम अपना दुख सुख उनके साथ बांटने आते हैं, तो जितनी भी खुशियाँ होती है वो हमको देती हैं और जितने हमारे गम होते हैं वो सब ले लेती हैं। तो आज हम यहाँ देखिए दर्शन करने आए हैं, यहाँ कथा हो रही, लोग कथा करवा रहे हैं, मुंडन करवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ। कहते हैं वो उनके तट पे हर चीज़ प्रकार की चीज़ होती है, क्यों इसलिए तो वो अपने हमारे दुख वो अपने आंचल में ले लेती हैं, हमें अपने सुख दे देती हैं। तो हम यहाँ बहुत सुकून और शांति है, हम यहाँ आ जाए हैं भंडारा करने। आज रविदास कल रविदास जयंती भी थी। आज मैं ब्लॉग बना के डाल रही हूँ क्योंकि आपको तो पता ही, एक दिन मैं वीडियो बनाती हूँ, दूसरे दिन एड करती हूँ, फिर डाल पाती हूँ क्योंकि एक हाउसवाइफ को बहुत काम रहता है, घर में बच्चे, खाना पीना, तो डेली मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। देखिए मेरा बच्चा एंजॉय कर रहा है, यहाँ बहुत सारे पक्षियाँ उड़ रहे हैं। मेरे हस्बैंड उनको दाना डाल रहा है, सेव यहाँ मिलता है 10-10 रुपए के पैकेट, वो डाल रहा है, तो पूरे पक्षी आ रहे हैं। देखिए वो भी इंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। तो हम यहाँ छोटा सा एक भंडारा करने आए हैं, अचानक हमारा प्लान बना तो हम एक ऊपर जो आंटी रहती है, आपने बर्थडे में तो देखा ही होगा, जो मेरे बच्चे के बर्थडे में आंटी लोग आई थी, तो हम लोग आए हैं यहाँ सब। हम लोग गरम गरम भंडारा लेके आए हैं बांटने के लिए। तो आज सुबह का ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि सब काम में बिजी हो गए थे, अचानक प्लान बना था। तो यहाँ भंडारा बांटने आए हैं हम, पूरी सब्जी और खिचड़ी लेके आए हैं कि जल्दी जल्दी बांट दे सभी लोगों को, गरम गरम भंडारा मिल सके, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए सब बांट रहे हैं। मैं ब्लॉग बना रही हूँ, यहाँ रविदास जयंती तो लोग अपने बनाने के लिए भी लेके आए हैं, बनवाए भी, भंडारा भी हो रहा है। तो ये मुझे, मेरा शहर तो बहुत रंगीन लगता है क्योंकि यहाँ हर प्रकार के त्यौहार पता चलते हैं, छोटे बड़े, हर जगह रास्ते में जगह जगह भंडारा हो रहा है, जगह जगह टेंट लगे हुए हैं। तो हमने सोचा चलो हम भी चलते हैं, टेंशन भरी ज़िंदगी थोड़ा सुकून ले लेते हैं नदी की, नर्मदा जी के तट पर क्योंकि आजकल लोगों को इतनी टेंशन रहती है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता अपने लिए, तो हमें अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, तो इसलिए हम इंजॉय करने आए हैं, साथ में दर्शन भी कर लेंगे। उसी दिन हमने जो वीडियो डाला था नर्मदा जयंती के दिन, तो बहुत अच्छा वीडियो नहीं बन पाया था और दर्शन मैं नहीं करा पाई थी क्योंकि बहुत भीड़ थी और इतने अच्छे से वीडियो नहीं बन पाया था। तो मैंने सोचा चलो आज यूट्यूब फैमिली को अपने साथ जोड़ के और वीडियो बना के दिखाती हूँ, ब्लॉग अपना बनाती हूँ, वो भी इंजॉय कर लेंगे, दर्शन करेंगे नर्मदा जय माता के। तो हम आए हैं यहाँ, हम अपना खाना अलग से लेके आए थे, भंडारे का अलग से, तो अब भंडारा बढ़ चुका है, अब हम लोग सब खा रहे हैं शाम का टाइम है, शाम होती जा रही है, दिन ढल रहा है, सूरज भगवान थोड़े थोड़े नीचे आ चुके हैं। देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुकून और शांति मिल रही है। तो हम, मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है बताइए, मेरा ब्लॉग कैसा लगा, नर्मदा दर्शन करके कैसा लगा आपको। हमारे साथ एक छोटा न्यू बॉर्न बेबी भी है, वो भी आज दर्शन करने आया है बहुत भीड़ नहीं है पर बहुत कम भीड़ भी नहीं है, अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ नहीं है तो दर्शन अच्छे से माता जी के कर पा रहे हैं। हमने सोचा था कि नाव में जाके और फिर गुरुद्वारे के दर्शन करें, पर शाम हो जाएगी, बच्चे छोटे हैं हमारे साथ और एकदम से हवा का रुख चेंज हो चुका है, मौसम चेंज हो चुका है और हमारा घर यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है नर्मदा, तो ठंड लगेगी। देखिए बच्चा है हमारे साथ, आप बताइएगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।